क्या किया हमने, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम इस चैप्टर में, क्योंकि बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में है, 1D मोशन में है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई फर्क है नहीं, वेलोसिटी और स्पीड में भी ज्यादा कोई फर्क होगा नहीं। पर अगर बॉडी ने डायरेक्शन चेंज की, वहां वेलोसिटी और स्पीड में फर्क होगा और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में भी फर्क होगा। ठीक, तो क्वेश्चन है, मैन इज ट्रेवलिंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट रोड फॉर फर्स्ट हाफ टाइम, ध्यान से फर्स्ट हाफ टाइम, डिस्टेंस नहीं टाइम। तो अगर टोटल टाइम जर्नी का टी है तो फर्स्ट हाफ टाइम क्या होगा, टी बाय टू, अदर हाफ टाइम क्या होगा, टी बाय टू, तो टी बाय टू क्लियर है। तो फर्स्ट हाफ टाइम विद टी बाय टू एंड सेकेंड हाफ, और स्पीड कितनी है फर्स्ट हाफ टाइम की, वी वन, और सेकेंड हाफ टाइम विद स्पीड ऑफ वी टू। तो फर्स्ट हाफ टाइम टी बाय टू वी वन के साथ, सेकेंड हाफ टाइम टी बाय टू वी टू के साथ, फाइंड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस में मान लो ये डिस्टेंस एस वन है, पर ये तो गिवन ही नहीं है, तो निकाल लो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, वी वन इंटू टी बाई टू। यहां का डिस्टेंस क्या होगा, वी टू इंटू टी बाई टू, एस वन एस टू आ गया, तो एस वन एस टू में एस वन एस टू पुट कर दिया, और टोटल टाइम में टी वन की जगह टी बाई टू, टी टू की जगह टी बाई टू, तो टोटल टाइम भी हमारे पास। यहां से टी बाई टू कॉमन आ गया, और टी बाई टू टी होता है, टी से टी कैंसल, आंसर आ गया। ठीक, अब कोई स्टूडेंट कहता है ये करने की क्या जरूरत थी, अरे एवरेज तो हमें वैसे भी निकालनी आती है, गाड़ी की स्पीड V1 और फिर V2, एवरेज V1 प्लस V2 बाय 2, और ऐसे अगर आप मुझे क्वेश्चन दोगे V1, V2, V3, तो एवरेज इज V1 प्लस V2 प्लस V3 बाय 3, बिल्कुल गलत। अगर यही फिजिक्स थी तो ये मोशन चैप्टर पढ़ाने की जरूरत ही ना होती आपको, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। इसलिए फॉर्मूला रजिस्टर में क्या लिखवाया, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, बस एवरेज का काम तो स्टार्ट यहां से होगा, खत्म, कोई शॉर्टकट नहीं। तो पॉइंट समझ में आया, फिर देखो एक बार, पर्सन ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट रोड फॉर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, इस बार ध्यान से, पिछले क्वेश्चन में फर्स्ट हाफ टाइम था, इसमें फर्स्ट हाफ डिस्टेंस है। तो अगर टोटल डिस्टेंस x है तो फर्स्ट हाफ कितने है? x by 2 is moving with a velocity of v1 और other half with a speed of v2। डायग्राम क्लियर है, डायग्राम बना लिया करो खुद से, ये नहीं है कि कोई देगा, कई लोग नहीं बनाते, पर फिजिक्स में आप नोट करेंगे, मैं हर क्वेश्चन में बनाऊंगा ताकि मेरे को बार बार क्वेश्चन पढ़ना ना पड़े। तो डायग्राम से बिल्कुल क्लैरिटी हो रही है वो क्या क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड निकालनी है, फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना है एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई टू यानी कि एक्स, टोटल टाइम क्या है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड पहला टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड दूसरा टाइम, क्लियर है यहां तक। टी वन एक्स बाय टू एक्स बाय टू, टी वन की जगह ये टाइम पुट कर दो, टी टू की जगह ये टाइम पुट कर दो, टू नीचे चला गया, टू नीचे चला गया, तो ये टर्म आ गई। इसमें से एक्स बाय टू कॉमन निकाल लो, एक्स और एक्स कैंसल, ये बच गया, एलसीएम लो, सिंप्लीफाई करो, आंसर आएगा। आइडिया समझ में, ये सारा काम आपसे करवाऊंगा मैं, चिंता ना करो। आप सोच रहे हैं कि ये तो हो गया, हुआ नहीं, ये तो अभी शीट्स आपको दी हैं, अब आप प्रैक्टिस करोगे होमवर्क में भी और क्लास में, अभी आप शुरू करोगे काम। आपको आइडिया दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ कि इन टाइप की प्रॉब्लम में क्या करना है, फिर आप लगा के देखना। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक। जैसे सपोज एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या करवाया मैंने, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, डेल्टा एक्स क्या है एक्स टू माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाय टी टू माइनस टी वन। ठीक, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, और ये कैलकुलस में मैंने आपको सिखाया था कि ओरिजिन है, गाड़ी अगर यहां पर है तो कोऑर्डिनेट एक्स वन है, यहां पर है तो कोऑर्डिनेट एक्स टू है, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है एक्स टू माइनस एक्स वन इन टोटल टाइम टी टू माइनस टी वन। याद है कैलकुलस, मैंने आपको ये भी कहा था कैलकुलस के अंदर कि आप मोशन का बहुत सारा पार्ट कैलकुलस के अंदर कवर करते जा रहे हैं। ठीक, तो समझ में आ रहा है कैसे। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है, ये भी समझ में आता है। नेक्स्ट फॉर्मूला लिखो फॉर्मूला बुकलेट में,
या फॉर्मूला की कॉपी में एवरेज एक्सेलरेशन, क्योंकि वर्ड एवरेज है, कैलकुलस यूज नहीं होगा, टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम, यानी कि डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, ये फॉर्मूला नोट करो, ठीक है। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। तो इसके अंदर ए पॉइंट पर वेलोसिटी वी वन है जब टाइम इसमें टी वन है, बी पे वेलोसिटी वी टू है जब टाइम इसमें डी टू है। तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी कितनी है, वी टू माइनस वी वन, टोटल टाइम कितना है, टी टू माइनस टी वन। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम। लिख लिया फॉर्मूला। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी की जगह डी वी बाय डी टी, तो लिखो नेक्स्ट फॉर्मूला, एवरेज एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ए इज डी वी बाय डी टी, ये लिख लो। ठीक, क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब सपोज क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, एक्स टी पे डिपेंडेंट है, क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम टी इज इक्वल टू टू सेकेंड। मैंने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या करवाया, वी इज डी एक्स बाय डी टी, एक्स को यहां से उठा के यहां पुट कर दें, करेंट डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म 18 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म 5 कांस्टेंट है, तो इसके डिफरेंशिएशन 1 है और इसके डिफरेंशिएशन 2t है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया, 18 प्लस 10t, पर उसने वेलोसिटी कब पूछी, एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड, तो 2 पुट करेंगे आंसर, कैलकुलस में किया था हमने, ये बोला था मोशन, तो मोशन का काफी पार्ट इसमें हो चुका है, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, तो जितना टाइम कैलकुलस में हमने वहां लगाया उतना ही कम टाइम यहां लगेगा, वहां कम लगाया तो यहां ज्यादा लगेगा, अगर डिफरेंशिएशन सही नहीं हुई तो पहले इसको समझाना पड़ेगा कि हुआ कैसे, पर अगर डिफरेंशिएशन सही है आपको सब समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है, कैलकुलस का रूल समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है, सेम क्वेश्चन है, क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी, अब कैलकुलस यूज नहीं करना, कब, 2 और 3 सेकंड के बीच में, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या करवाया, एक्स टू माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई टी टू माइनस टी वन, राइट। तो अब टाइम, क्योंकि एक्स का ये फॉर्मूला है, टाइम 2 सेकंड पर एक्स वन कितना है, टाइम की जगह दोनों जगह क्या पुट करेंगे, 256 आ गया, टाइम 3 सेकंड पर 3 और 3 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 99 मीटर, तो क्या आ गया, x1 x2, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, x2 की जगह 99, x1 की जगह 56, t2 की जगह 3, t1 की जगह 2, आंसर, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है इंस्टेंटेनियस और एवरेज में। फाइंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, अब एक चीज बताओ मुझे कि अगर x गिवन है और एक्सेलरेशन निकालनी है तो x को डिफरेंशिएट करके पहले v निकलेगा और v को डिफरेंशिएट करके dv by dt से a निकलेगा, यही स्टेप है, दो बार करना पड़ेगा, तो पहले x लिखा, इसको डिफरेंशिएट किया, ये वैल्यू पुट की, अभी निकाला था हमने 18 प्लस 10t, कौन सी वेलोसिटी थी, इंस्टेंटेनियस, पर मुझे अब क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, फॉर्मूला क्या होता है, dv by dt, v की वैल्यू 18 प्लस 10t यहां पुट करें, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म, कांस्टेंट की तो हो जाएगी 0, 10 बाहर आ गया, dt by dt is 1, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गई कितनी, 10। स्टेप समझ में आ रहा है, जस्ट रिवाइज करवा रहा हूं मैं, क्या किया था, कोई नई चीज थोड़ी ना ये, ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट, ये लास्ट प्रॉब्लम, एक दो प्रॉब्लम, उसके बाद फिर आपका काम है, आपको करके दिखाना है और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगर बॉडी के डिस्प्लेसमेंट ये गिवन है टाइम की फॉर्म में, ठीक है, एक्स की फॉर्म में, टाइम की फॉर्म में एक्स गिवन है, k
क्या निकालना है, फाइंड पोजीशन ऑफ द बॉडी. पोजीशन क्या होती है, एक्स, एक्स इज पोजीशन. एक्स बताओ जब टाइम क्या है, जीरो. एक काम क्यों नहीं करते, इस फॉर्मूले में टाइम को क्या पुट कर दें, जीरो. तो मैंने टाइम को जीरो, मैंने टाइम को जीरो पुट कर दिया यहां पर, तो एक्स क्या आ गया, 25. राइट, क्लियर है यहां तक, एक आंसर आ गया. अगला क्वेश्चन है, फाइंड वेलोसिटी जब मेंशन ना हो कि कौन सी वेलोसिटी, तो अंडरस्टूड बाय डिफॉल्ट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज नहीं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. फाइंड वेलोसिटी कौन सी, इंस्टेंटेनियस, जब टाइम क्या है, जीरो. एक बात बताओ, आपको एक्स गिवन है, आप एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे डीएक्स बाय डीटी, तो कौन सी वेलोसिटी आएगी, इंस्टेंटेनियस. आपने एक्स की वैल्यू को पुट किया, डी बाय डीटी ऑफ फर्स्ट टर्म, 4 कांस्टेंट है, 15 कांस्टेंट है, और ये तो जीरो हो जाएगा, इसकी डिफ्रेंशिएशन 2t और इसकी ये आ जाएगा. तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी आई, 80 माइनस 15. उसने ये पूछा, टाइम बताओ स्मॉल टी, जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो. तो इसको इक्वल टू क्या कर दे, क्या कर देना आपने, नहीं हाँ, आपने टाइम को यहां पर क्या पुट करना है, जीरो. मैंने उल्टा बोल दिया, वेलोसिटी निकालो जब टाइम जीरो है, वेलोसिटी निकालो एट टाइम जीरो. तो आप यहां पर टाइम को जब जीरो पुट करेंगे तो वेलोसिटी क्या आएगी, माइनस 15. कोई पूछ रहा था वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, हो सकती है. स्पीड नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती. वेलोसिटी इज अ वेक्टर, डायरेक्शन मैटर करता है. यहां की डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, यहां की डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, यहां की वेलोसिटी पॉजिटिव, यहां की वेलोसिटी नेगेटिव. एक्स एक्सिस पे जा रहे हो तो पॉजिटिव, नेगेटिव पे जा रहे हो तो नेगेटिव. क्लियर है यहां तक. अब इसी क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है कि व्हेन विल बी वेलोसिटी जीरो. व्हेन का मतलब क्या है, समय बताओ, टाइम बताओ जब वेलोसिटी जीरो होगी. अब कौन सी वेलोसिटी जीरो होगी, बाय डिफॉल्ट इंस्टेंटेनियस. अब इंस्टेंटेनियस हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, हमने अब इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला लिखा और वी को उठा के क्या पुट कर दिया, जीरो. अपने आप क्या आ गया, टाइम आंसर. ये स्टेप भी क्लियर है यहां तक, ठीक. फाइंड एक्सेलरेशन एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो. अब आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता है, अब आपको क्या निकालनी पड़ेगी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. तो आप क्या करेंगे, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जो कि 8 आ रही है, इट्स अ कांस्टेंट. तो टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे भी, 1 पे भी, 2 पे भी, जिस मर्जी सेकंड पे ले लो, एक्सेलरेशन क्या रहेगी, कांस्टेंट. कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक, ठीक है. तो ये वैल्यू आ गई. अब क्वेश्चन है, वेलोसिटी 2t स्क्वायर प्लस 5 है, ये कौन सी वेलोसिटी गिवन है, इंस्टेंटेनियस, तो टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है. क्या निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, यानी कि v2 माइनस v1, चेंज इन वेलोसिटी. कब, जब टाइम 2 और 4 सेकंड है. सबसे पहले आप इसके अंदर टाइम को क्या पुट करेंगे, 2. तो 2 पुट करेंगे तो v1 आएगा, फिर आप टाइम को यहां पर क्या पुट करेंगे, 4, तो v2 आएगा. आपसे क्या पूछ रहे हैं, चेंज इन वेलोसिटी, तो आपने v2 में से v1 को क्या कर देना है, माइनस, तो चेंज इन वेलोसिटी. क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, एक आंसर आ गया. अब वो कह रहे हैं फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन. एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैंने क्या करवाया, v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस t1. आप ऊपर वाले पोर्शन में v2 माइनस v1 तो निकाल ही चुके हैं, 37 माइनस 13 यानी कि 24, और टाइम इंटरवल क्या है इसमें, 4 माइनस 2 इज 2, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगी, एवरेज एक्सेलरेशन. आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे काम करना है इसमें. अब ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं हमने किया तो इसके बाद, नहीं ये वाला नहीं, नेक्स्ट वाला अभी करेंगे, चलो ये भी कर लो. अब क्वेश्चन है कि वेलोसिटी की वैल्यू हमें क्या गिवन है, फर्स्ट इस पार्ट में 2t स्क्वायर प्लस 5, ये वेलोसिटी है. अगला पार्ट है फाइंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. तो इंस्टेंटेनियस में कैलकुलस यूज करेंगे, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाय dt. वेलोसिटी की वैल्यू को यहां पुट किया,
इसे डिफ्रेंशिएट किया, 2 बाहर आ गया, टी स्क्वायर 2t होता है, कांस्टेंट 0 होता है, आंसर क्या आ गया 4t, राइट, क्लियर है यहां तक। अब वो कह रहे हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालो एट टाइम 1 सेकेंड। हमने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाली हुई है 40, टाइम 1 सेकेंड पे पुट करें तो एक्सेलरेशन क्या आएगी 4, आंसर। तो समझ में आ रहा है यहां पर। अब ये आपने करना है, ये आपको x गिवन है, जो मैंने क्वेश्चन समझाए उनके बेस पे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है टाइम 1 से 2 सेकेंड पे। ये बताओ एवरेज वेलोसिटी में कैलकुलस यूज करोगे कि नहीं करोगे? नहीं करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। तो करो सॉल्व। तो इसमें ओके चेक करते हैं, जब टाइम की वैल्यू t1 1 सेकेंड है तो ये बताओ कि x1 कितना है। यहाँ पर पुट करेंगे 7 × 1 का स्क्वायर प्लस 8 × 1 प्लस 1 कितना आ रहा है, कितना 16 मीटर। और ऐसी टाइम t2 इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे x2 निकालेंगे 7 × 2 का स्क्वायर प्लस 8 × 2 प्लस 1 कितना आ रहा है 45 मीटर। तो एवरेज वेलोसिटी क्या बनेगी, 45 माइनस 16 और टाइम कितना है 2 − 1 मीटर पर सेकेंड। इसे सॉल्व कर लें कितना 29 मीटर पर सेकेंड। मेथड समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो, ठीक। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है जब टाइम कितना है 2 सेकेंड। तो क्योंकि एक्स की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितनी, एक्स की वैल्यू 7t² प्लस 8t प्लस 1। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है dx/dt, यानी कि d/dt ऑफ x की जगह 7t² प्लस 8t प्लस 1। तो v इज इक्वल टू 7 कांस्टेंट है, d/dt ऑफ t² प्लस d/dt ऑफ ये 8 बाहर आ गया और ये तो 0 हो जाएगा, तो ये टर्म क्या आ गई 1। तो वेलोसिटी की वैल्यू आएगी 7 × 2t प्लस 8, ये वेलोसिटी आ गई। तो टाइम को यहां पर क्या पुट करना है 2, तो वेलोसिटी आएगी 7 × 2 × 2 प्लस 8 मीटर पर सेकेंड, 36। समझ में आ रहा है यहां तक कि एवरेज के अंदर हमने कैलकुलस यूज नहीं किया, इंस्टेंटेनियस के अंदर वीज dx/dt यूज किया। पॉइंट क्लियर है यहां तक। ठीक है, अब क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अब ये बताओ कि
आपने अभी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल ली है ना, इसको डिफरेंशिएट करके, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू क्या है बोलो, क्या आई थी अभी, 14t+8, यही था, ये डिफरेंशिएट करके ही आया था, चेक करना, ठीक है यहां तक। अब आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालनी है dv/dt, तो d/dt ऑफ वेलोसिटी की जगह 14t+8, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dt/dt तो इसमें 1 हो जाएगा और कांस्टेंट की 0, तो आंसर क्या आएगा, 14 मीटर पर सेकंड का, विच इज अ कांस्टेंट, तो किसी भी टाइम पे एक्सेलरेशन की वैल्यू विल रिमेन सेम है, क्योंकि कांस्टेंट है, जो मर्जी टाइम हो आंसर सेम होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक। ये निकाल लो, एवरेज एक्सेलरेशन निकालनी है 1 or 2 सेकंड में, कैलकुलस यूज नहीं करना। एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा, v2 - v1 t2 - t1, ठीक है। इसमें एट टाइम t=t1 = 1 सेकेंड वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी, इसमें इसमें पुट करो 14 × 1+8 कितना आ गया, 22। एट टाइम t2 = 2 सेकेंड वेलोसिटी की वैल्यू 14 × 2+8 कितना, 36। तो यहां पुट करें 36, 22 और t2 में 2 - 1 कितना आ रहा है, 14 मीटर्स पर सेकंड का स्क्वायर। क्या ये पॉइंट क्लियर है, समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक, अब इन क्वेश्चंस में आपने एक चीज नोट की, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करने के दिए थे, मैंने एक्स दिया, मैंने वी पूछ लिया, तो एक्स से जब मैंने वी पूछा, या तो एवरेज वेलोसिटी पूछी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी, फिर मैंने आपको वी दिया और ए पूछा, या तो एवरेज एक्सेलरेशन पूछी या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछी, तो एक्स से जब आपने v निकाला तो आपने डिफरेंशिएशन यूज की, v से a निकाला तो डिफरेंशिएशन यूज की। अब हम क्या करने जा रहे हैं, a दूंगा और v पूछूंगा, तो क्या करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन, और v से x जाने में फिर से इंटीग्रेशन, और a से x जाने में 2 बार इंटीग्रेशन, हमने पहले भी किया हुआ है, लेकिन पहले हमने इनकम्प्लीट किया, जो मैंने आपको कैलकुलस में करवाया वो सही नहीं था, आपको सही था, गलत करके आए, नहीं ऐसे गलत नहीं किया, एक्चुअल में इंटीग्रेशन चलती है लिमिट्स के साथ, और मैंने आपको एक्सेलरेशन से एक्स निकलवाया बिना लिमिट के, तो बुक्स में देखा होगा कांस्टेंट लगाते हैं पीछे, वो कांस्टेंट 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 अगर नहीं लगाना, बुक्स में आप देखा अगर कहीं भी चेक करेंगे कांस्टेंट जरूर लगाते हैं, अगर नहीं लगाना तो लिमिट लगा दो, कांस्टेंट लगाने की जरूरत नहीं होती। अब मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा कि एक्सेलरेशन से एक्स एक्चुअल में निकलता कैसे है, वो ठीक था बिल्कुल, पर एक्चुअल में लिमिट्स लगानी होती हैं। लिमिट्स कैसे लगती हैं, ये क्वेश्चन को ध्यान से देखना। एक्सेलरेशन की वैल्यू 3t गिवन है, यानी कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आपको दे दी, टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है, सिंपल, वो कह रहे हैं टाइम t = 0 पे वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड थी, तो ये बताओ अगले 2 सेकेंड के ऊपर वेलोसिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन है। अब मेरे को ये बात समझ में आ रही है कि एक्सेलरेशन से मुझे क्या निकालनी है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन से क्या निकालनी है, वेलोसिटी, तो मैं क्या करूंगा, एक्सेलरेशन गिवन है, मैंने क्या सिखाया था, एक्सेलरेशन को लिखो dv/dt, पहला स्टेप, डीटी राइट की तरफ, तो ये स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी स्मॉल टाइम डीटी में, अगर हम दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स अभी तक तो मैंने आपको दी पेपर में करने की लिमिट, मैं लगा के देता हूं, अब आप लगाओगे कैसे, यहां पर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो अगर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है तो लिमिट भी टाइम की ही लगती है, और अगर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी है तो लिमिट भी वेलोसिटी की लगती है। अब टाइम की लिमिट क्या है,
आपकी गाड़ी जो चलती है वो 0 से 2 सेकेंड तक चलती है, तो टाइम कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 सेकेंड। कहाँ तक? 2 सेकेंड। तो लिमिट क्या लगेगी? 0 से 2 सेकेंड। अब वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है? 2 मीटर से v जो निकालना है, 2 मीटर से v। तो ये इनिशियल टाइम है, ये फाइनल टाइम है, ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये फाइनल वेलोसिटी है। ऐसे भी रीड कर सकते हो, जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी 2 है, जब टाइम 2 है तो वेलोसिटी मुझे निकालनी है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि लिमिट कैसे लगाई इसमें? लिमिट्स के लिए हिंट गिवन होगा पेपर में कि टाइम टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड से 2 सेकेंड तक गाड़ी चलती है, तो 0 से 2 सेकेंड तक गाड़ी चलेगी। और ये भी गिवन होगा कि वेलोसिटी 2 से v हो गई। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक। तो इसके अंदर इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, 1 dv की इंटीग्रेशन क्या होती है? v लोअर लिमिट अपर लिमिट के साथ, और t की क्या होती है? t² / 2 लोअर और अपर लिमिट के साथ। फिर v की जगह अपर लिमिट, v की जगह लोअर लिमिट, तो v - 2, एक बार v की जगह v, एक बार v की जगह 2, यहां पर एक बार t की जगह 2, 2² और एक बार 0। तो ये सॉल्व करके क्या आ गया? 6, 2 ऐड हो गया तो आंसर क्या आ गया? 8। आइडिया समझ में आया? ये एग्जैक्ट आंसर है इसका, इसमें कोई गलती नहीं है, जो मैंने आपको करवाया बिना लिमिट्स के करवाया, तो बिना लिमिट्स के वेरिएबल में आंसर आ रहे थे, जबकि क्वेश्चन वेरिएबल में नहीं चलता, क्वेश्चन कंडीशन के बीच में चलता है, इनिशियल और फाइनल, वहां लिमिट्स काम आती हैं। आप करो ये क्वेश्चन, कर लो। मुझे पता नहीं, करना पड़ेगा। देखो मैं भी ट्राई करता हूं। तो अगर एक्सलेशन 4 है तो मुझे क्या निकालनी है? वेलोसिटी। कब? जब टाइम क्या है? 2 है। तो एक्सलेशन को क्या लिख सकते हैं? dv / dt इज इक्वल टू 4। क्या ये पॉइंट क्लियर है? dv इज इक्वल टू 4 * dt, ये भी सही है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, 4 तो कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लें, 4 बाहर आया तो क्या बचा? 1, 1 dt, 1 dv, जहां कुछ नहीं वहां 1 1। लिमिट बोलो टाइम की क्या है? 0 से 2, 0 से 2। और लिमिट बोलो वेलोसिटी की क्या है? 2 से v, सही है। तो 1 dv की इंटीग्रेशन क्या होती है? v, कहां से कहां? 2 से v। 1 dt की क्या होती है? t, कहां से कहां? 0 से 2, सही। एक बार v की जगह अपर लिमिट और एक बार v की जगह लोअर लिमिट, तो v - 2। एक बार t की जगह अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, सही। तो v - 2 इज इक्वल टू 8, तो v इज इक्वल टू 10 m/s। अब ठीक है,
हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो, फिर करो, एक बार फिर करो। एक्सेलरेशन गिवन है, फिर वेलोसिटी निकालनी है। तो इसमें एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे? डी वी बाय डी टी। डी वी बाय डी टी इज इक्वल टू 3t² + 2t + 2। तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, डी वी इज इक्वल टू 3t² + 2t + 2 इंटू डी टी। क्या है पॉइंट? क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो इसे इंटीग्रेट करते हैं। लिमिट्स, टाइम की लिमिट क्या है? 0 से 2। वेलोसिटी की लिमिट क्या है? 2 से v। ठीक, अब इंटीग्रेशन करते हैं। तो 1 डीवी की इंटीग्रेशन 2 से v, 3 कांस्टेंट है, t² dt 0 से 2, 2 कांस्टेंट है, t dt 0 से 2, 2 कांस्टेंट है, 1 dt 0 से 2। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है, ठीक, इंटीग्रेशन करते हैं। तो 3 × t³/3 0 से 2, 2 × t² / 2 0 से 2, और 2 × t 0 से 2। ठीक है, तो इसमें 3 से 3 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, तो और लेफ्ट साइड पे क्या बनेगा? v, कहां से कहां? 2 से v। तो अब एक काम करते हैं, यहां पे लिख रहा हूं, तो अपर लिमिट v और लोअर लिमिट 2, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा? v - 2। यहां पे क्या आएगा? t की जगह पुट करेंगे 2³ - 0³, 3 से 3 से कट गया। यहां पे क्या पुट करेंगे? 2 से 2 कट गया, तो 2² - 0² और एंड में क्या पुट करेंगे? 2 × 2 - 0। तो सॉल्व करें, एंड में v को राइट साइड पे ले जाएं, तो v क्या आ रहा है? 18 m/s। 2 ऐड भी करना था ना, लेफ्ट वाला राइट, 2 ऐड करना, 16 + 2 = 18। समझ में आ रहा है यहां तक? क्लियर है?
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो, आपको क्वेश्चन के अंदर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी गिवन है और आपको क्या निकालना है, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे एक्स की वैल्यू 3 है और 2 सेकंड पे एक्स निकालना है, तो अल्टीमेटली एक्स निकालना है, तो जब भी वी से एक्स पे जाना है तो फिर से एक बार इंटीग्रेशन। अब इस बार क्या करेंगे, वी को लिखेंगे डी एक्स बाई डी टी क्रॉस मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन, टाइम की लिमिट 0 से टी और इस बार डी एक्स है तो डी एक्स की लिमिट एक्स की फॉर्म में लगेगी, तो डिस्टेंस 3 से एक्स 2, ये देखो ना डिस्टेंस 3 से एक्स 2, क्लियर है यहाँ तक। तो इंटीग्रेशन 1 डी एक्स की एक्स है, 2 कॉन्स्टेंट आ गया, टी की इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 है, 0 से 2 एक्स 2 से एक्स 3, अपर लिमिट लोअर लिमिट माइनस, अपर लिमिट लोअर लिमिट माइनस एक्स 2 आंसर। मेथड समझ में आ गया यहां तक, तो अब आप ये क्वेश्चन करो, आपको वी गिवन है और आपको एक्स निकालना है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, इसके अंदर आपको v गिवन है और x निकालना है, तो सबसे पहले v को लिखेंगे dx by dt is equal to t का स्क्वायर, dx is equal to t का स्क्वायर dt इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, टाइम की जो लिमिट है वो क्या पुट करेंगे 0 से 2 और डिस्टेंस की लिमिट क्या पुट करेंगे 1 से लेके x, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या है x 1 से लेके x और इसकी t की पावर 4/4 0 से लेके 2 तक, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, ऐसे ही एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो x की वैल्यू विल बी इक्वल टू 1 प्लस तो 2^4/4 कितना आंसर आ रहा है, अच्छा टी स्क्वायर चल रहा है, सॉरी तो टी स्क्वायर चल रहा है, तो यहाँ पर टी स्क्वायर करेंगे टी क्यूब करेंगे, ठीक है चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पे टी स्क्वायर है ये टी क्यूब हो गया, तो यहाँ पर 2 का क्यूब हो गया, अब ठीक है डिनोमिनेटर में 3 आएगा, डिनोमिनेटर में टी क्यूब बाय 3 आएगा, सही तो टी क्यूब बाय 3 आएगा, यहाँ पर भी 2 क्यूब बाय 3 आएगा, ठीक है 11/3 सही है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां पर कि कैसे इसको करना है, ठीक है। ठीक तो नेक्स्ट कितना आ रहा है 3/7 चेक करो, 7 चेक करना फिर से, तो इसके अंदर v क्या है dx by dt इज इक्वल टू 3/4t, तो dx इज 3/4t इंटू dt, तो यहां पर इंटीग्रेशन करेंगे 1 dx
इंटीग्रेशन करेंगे 3 प्लस 4 टी डी टी, टाइम की लिमिट 0 से लेके 1 सेकेंड, इस बार 2 सेकेंड नहीं 1, और डिस्टेंस 2 से x तक, तो 1 dx, तो यहाँ से 2 से लेके x तक इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3 कांस्टेंट है 1 dt, 0 से लेके 1 तक 4 कांस्टेंट है t dt, 4 कांस्टेंट है, तो t dt 0 से लेके 1 तक ऐसे। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या है, x 2 से लेके x तक 3 इंटू इसकी इंटीग्रेशन t 0 से लेके 1 तक, और इसकी इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 0 से लेके 1 तक। तो यहाँ पर लिमिट पुट करते हैं x माइनस 2 3 इंटू 1 माइनस 0, तो ये 2 हो गया, 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 0, तो x माइनस 2 3 प्लस 2, तो x कितना आ गया 7, 7 मीटर लगा लेना। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ठीक, नेक्स्ट अपने इसमें क्या करना है, आपको एक शीट दी है मैंने, ये चेक करना, यही है क्या दूसरी वाली है? ओके, अच्छा 9 है, ओके। ये तो आपने इसका फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो प्लीज। काम देखो, फिगर के अंदर एक पार्टिकल मूव कर रहा है, कहां से कहां, ए से स्टार्ट हो रहा है और एंटी क्लॉकवाइज ए पे वापस आ रहा है। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, और डिस्प्लेसमेंट भी निकालनी है जब पार्टिकल ए से बी तक जाता है। मुझे एक बात बताओ, जब वो ए से बी पे जा रहा है तो डिस्टेंस क्या होगा? लेंथ ऑफ आर्क, ये जो लंबाई देख रहे हो आर्क, वो होगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट तो इजी है, ये आर तो अंडर रूट ऑफ 2r। पाइथागोरस, ये आर, ये आर राइट एंगल ट्राइंगल, रूट 2r डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस क्या है? ये लेंथ, ये वाली लेंथ यहां से लेके यहां तक। टोटल लेंथ कितनी है? सर्कल की टोटल लेंथ क्या होती है? 2πr। और हमने लेंथ क्या निकालनी है इसकी? 1/4। तो लेंथ क्या आएगी? 2πr/4 आंसर। ठीक है यहां तक? अब नेक्स्ट पार्ट है ए से लेके सी तक। ए से सी तक डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? 2r। ए से सी तक डिस्प्लेसमेंट का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो कि कितना है? 2r। और डिस्टेंस क्या है? ये पूरी आर्क, ये आर्क कितनी होगी? 2πr को किससे डिवाइड करना है? 2 से। सही है, तो आधा हो गया, आधी लेंथ है। नेक्स्ट है ए से लेके डी तक। ए से लेके डी तक लेंथ क्या बनी? 2πr का कितना पोर्शन है ये? 3/4 पोर्शन है, तो डिस्टेंस आ गया। डिस्प्लेसमेंट क्या है?
ए से लेके डी तक ये बनेगी, ये आर ये आर, तो ये रूट टू आर, तो रूट टू आर डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर है यहां तक? और लास्ट ए से लेके ए तक डिस्प्लेसमेंट जीरो और डिस्टेंस टू पाई आर। मेथड समझ में आ रहा है यहां तक क्या करना है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना प्लीज, सेकेंड। देखो, बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट 40 मीटर पर सेकेंड एंड बी टू ए 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जाने का डिस्टेंस अगर x है तो आने का डिस्टेंस भी x है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो। वेलोसिटी क्या है? जीरो, क्योंकि वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम है, पर स्पीड जीरो नहीं है। तो एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी तो जीरो है, एवरेज स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो जाने का डिस्टेंस कितना है? x। आने का डिस्टेंस कितना है? x। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 2x। जाने का टाइम क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि x अपॉन 40। आने का टाइम क्या है? x अपॉन 60। क्लियर है यहां तक? तो यहां से x कॉमन आ गया, x और x कैंसिल हो गया, नीचे मैंने एलसीएम ले लिया, रेसिप्रोकल लिया, आंसर 48 मीटर पर सेकंड आ गया। कैलकुलेशन तो चलो आपको समझ में आई जाएगी, अपने आप करनी है खुद आपने। पॉइंट समझ में आ रहा है किया कैसे? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम बस, और कोई फॉर्मूला ही नहीं है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम इसी फॉर्मूला। ठीक है, देखो नेक्स्ट में ऑन अ 60 किलोमीटर ट्रैक, 60 किलोमीटर का ट्रैक टोटल है, अ ट्रेन ट्रेवल्स फर्स्ट 30 किलोमीटर विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, पहले 30 किलोमीटर की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, हाउ फास्ट मस्ट ट्रेन ट्रेवल, स्पीड बताओ क्या हो अगले पार्ट की, ताकि एवरेज स्पीड इस पूरी जर्नी की कितनी हो जाए? 40। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाए? 40। तो एवरेज स्पीड होती क्या है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बोलो कितना है? 60 आ गया। टाइम देखें, इतने पोर्शन का टाइम क्या होगा? डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर देते हैं, और इतने पोर्शन का टाइम क्या होगा? 30 को v से डिवाइड कर देते हैं, ऐसे ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो टाइम होता है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है अब आपने खुद से, तो आप सॉल्व करें और v की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, चेक करो जितनी भी आ रही है, चेक करो 60 आ गया आंसर।
यहाँ तक, तो इसमें ठीक है बस, बहुत बढ़िया।